ओके सर, तो चलो बात करते हैं नेटफ्लिक्स की बहुत ही रिसेंट में रिलीज हुई पावर पैक कास्ट से भरी हुई फिल्म के बारे में, जिसका नेम है रेड नोटिस। ये मूवी फिलहाल फेमस है सिर्फ और सिर्फ इसकी कास्ट की वजह से। इसमें अपना डेडपूल वाला हीरो है रायन रेनॉल्ड्स, वंडर वुमन है मतलब गैल गदोत, और लास्ट में हॉलीवुड का सबसे फेमस एक्टर द रॉक, ये भी सुपर हीरो का रोल करने वाला है डीसी की अपकमिंग ब्लैक एडम मूवी में। तो इतनी अच्छी कास्ट की ही वजह से ये मूवी अभी तक की नेटफ्लिक्स की टॉप एक्सपेंसिव मूवीज में से एक बन चुकी है। और अगर मैं सच बताऊं तो मूवी बहुत ज्यादा औसम नहीं है। इसकी स्टोरी एवरेज है, ठीक ठाक है, जैसे अभी आर्मी ऑफ थीव्स आई थी वैसे ही है, बस इस मूवी के कैरेक्टर्स की वजह से ये थोड़ी ज्यादा अच्छी बन जाती है। रायन रेनॉल्ड्स की एक्टिंग, रॉक का चिकना चांद और गल गदोत, हाय मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने सिर्फ इसकी वजह से मूवी देखी थी, आई एम टर्की। खैर आज मैं इस मूवी को शॉर्ट में बट डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बट उससे पहले आपका जो कर्तव्य है उसका पालन करो जाकर, मतलब सब्सक्राइब बटन दबाओ। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन। तो मूवी के स्टार्ट में अपने को 3x के बारे में बताया जाता है, क्लियोपेट्रा 3x। इनकी हिस्ट्री बताते हैं कि बहुत समय पहले एक इजिप्ट की कोई क्वीन थी, क्लियोपेट्रा नाम था उसका, उसके पास सबसे पहले ये 3x आए थे। मार्क एंटनी नेम का एक पॉलिटिशियन था, उसने दिए थे। फिर जमाना बीता, समय का चक्र चला और फिर 3x गुम हो गए। लोग फिर इस चीज को बस एक अफवाह की तरह मानने लग गए थे कि ये बस एक कहानी है। लेकिन देन 1907 में उन 3x में से 2x का पता चल गया। ये भी इजिप्ट में ही थे, लेकिन वो 3rd x कहाँ था ये आज तक किसी को नहीं पता। बहुत लोगों ने उसको ढूंढने का ट्राई किया बट किसी को नहीं मिला। तो प्रेजेंट टाइम में आते हैं, सो यहाँ पर पहला एग होता है रोम के एक म्यूजियम में, सबको दिखता है ये। सेकेंड एग होता है एक डेंजरस आर्म्स डीलर के पास, सोटो वो चे ऐसा नाम है इसका, और बचा 3rd egg, इसमें लास्ट में बात करेंगे। तो बस यही 3 अंडे होते हैं, इन्हीं के ऊपर पूरी मूवी बनी है। होता यह है कि इजिप्ट का एक कतई रईस आदमी होता है, बिलियनर, उसने एक कॉन्टेस्ट बोले तो इनाम रखा होता है $300 मिलियन का। यहाँ इसकी बेटी की शादी में जो बंदा क्लियोपेट्रा की 3 egg लेके आएगा उसको मिलेंगे ये पूरे $300 मिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये रईस ज्यादा इन अंडों का इतना बड़ा वाला दीवाना होता है कि इसने अपनी बेटी का नेम भी क्लियोपेट्रा ही रखा होता है। खैर अब यहाँ एंट्री होती है पहले मेन कैरेक्टर की, रॉक। इसका नेम होता है जॉन हार्टली। स्टार्टिंग में हमें ऐसा दिखाते हैं कि FBI के साथ काम करता है एज अ स्पेशल एजेंट, हालांकि इसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन या फिर कोई प्रूफ नहीं होता कि क्या सच में FBI के अंडर काम करता है। खैर ये एक मिशन पे होता है जहां ये और इसके साथ ही मतलब पूरी FBI टीम होती है, जिसको लीड कर रही होती है उर्वशी नॉट रोतेला, और ये सब पकड़ रहे होते हैं वर्ल्ड के दूसरे सबसे फेमस चोर को, जिसका नेम होता है नोलन बूथ, वही अपना डेडपूल। और थर्ड मेन कैरेक्टर होता है, एक्चुअली होती है, जिसको स्टार्ट में मिस्ट्री की तरह रखते हैं बट बाद में मिस्ट्री खुलती है, इसको बोला जाता है यहाँ पर द बिशप। और जैसा मैंने बताया था कि नोलन बूथ दुनिया का सेकंड मोस्ट चोर था, वो इसलिए क्योंकि दुनिया की फर्स्ट मोस्ट फेमस चोर यही होती है द बिशप। ये बहुत चंट होती है, हमेशा नोलन से एक कदम आगे रहती है, इसीलिए वो हमेशा सेकंड नंबर पर रहता है। और दोनों अलग होते हैं, कोई टीम की तरह नहीं होता यहाँ। और नोलन और बिशप ये दोनों पड़े होते हैं उन्हीं क्लियोपेट्रा के 3 अंडों के पीछे, ताकि उन्हें उस इजिप्ट के रईस जादे को दे पाए, और $300 मिलियन इनमें से किसी एक के होंगे जो पहले अंडे चुरा लेगा। तो स्टार्ट में जॉन बार्टली जिस मिशन में होता है उसमें नोलन रोम में उसी क्लियोपेट्रा के पहले अंडे को चुराने गया होता है, और चुरा भी लेता है, बट जॉन उसको यहाँ पर बीट कर देता है, मतलब पकड़ के जेल में डाल देता है। लेकिन इन दोनों को बीट कर देती है बिशप, ये चलाके से उस फर्स्ट एग को अपने साथ में ले जाती है और फिर उस जॉन बार्टली को ही फ्रेम कर देती है उस चोरी के पीछे। ये जॉन के अकाउंट में थोक के भाव पैसा ट्रांसफर कर देती है, जिससे FBI वालों को लगता है कि इन्होंने तो सांप पाल के रखा था, तो ये लोग जॉन को चोर समझ के उसको जेल में डाल देते हैं। बोला तो बिशप इनसे एक कदम हमेशा आगे ही रहती है। सो अब जॉन को जिस जेल में डालते हैं तो यहाँ इसका रूममेट होता है वही नोलन बूथ। तो अब ये दोनों कुछ टाइम के लिए साथ में फंस जाते हैं, इस वजह से इनकी बॉन्डिंग बनने लगती है। इनके बीच में एक कॉमन चीज़ होती है कि इन दोनों के बचपन की लाइफ दुख भरी होती है, और मेन रीज़न होते हैं इनके डैड, पप्पा। नोलन के डैड पुलिस वाले थे जिस वजह से एक चोर बना, और अदर साइड में जॉन के डैड एक चोर थे जिस वजह से ये पुलिस वाला बना। मीनवाइल अभी यहाँ पर एक टीम की तरह काम करते हैं, दोनों के पास अच्छा दिमाग होता है और भागने का टैलेंट होता है, तो ये फुल प्लान करके रशिया के जेल से उन्हीं का चौपर लेके निकल लेते हैं। इनके बीच में डील ये होती है कि नोलन को वो 3x चाहिए होते हैं ताकि इससे पैसा मिले, और जॉन को बिशप चाहिए होती है ताकि उसको जेल में डाल के ये अपनी इनोसेंसी प्रूव कर सके। तो कुल मिला के यहाँ पर नोलन को चाहिए होते हैं अंडे और इसको बिशप से कोई लेने देने नहीं होता, बट जॉन को चाहिए होते हैं बिशप, इसको अंडे से कोई लेने देने नहीं होता, और बिशप को चाहिए होते हैं अंडे, इसको इन दोनों से लेने देने नहीं होता। क्या मस्त झोलपना है। तो यहाँ सबसे पहले जॉन और नोलन ये प्लान करते हैं 2nd egg को चुराने के लिए, जो बताया था मैंने एक बहुत डेंजरस आर्म डीलर के पास होता है। सो ये उसके मेंशन में जाते हैं जहाँ इनको बिशप भी मिल जाती है, क्योंकि वो भी सेम चीज़ के पीछे पड़ी होती है। और जैसे ही जॉन और नोलन ये दोनों इस एक्ट तक पहुँचते हैं तो पता चलता है कि बिशप उस आर्म डीलर से ऑलरेडी डील कर चुकी है, अगेन एक कदम आगे नोलन से। और यहाँ पर एक सीक्रेट खुलता है कि याद होगा कि उस 3rd egg की लोकेशन कहाँ है ये किसी को नहीं पता होता, बट अब पता चलता है कि नोलन के डैड
जो इजिप्ट पे रिसर्च वगैरह कर रहे थे, जिस वजह से सिर्फ इसी को एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है कि कहां पर है वो थर्ड एग। तो अब इन दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग जो बन गई थी, एकदम मियां बीवी टाइप, तो ये लोग जॉन को टॉर्चर करते हैं जानबूझ के ताकि नोलन अपना मुंह खोल दे और लोकेशन बता दे, और ये बता भी देता है, इसे देखा नहीं जाता अपने न्यू बेस्ट फ्रेंड को टॉर्चर होते हुए। तो बिशप यहाँ से लोकेशन पे जाने के लिए निकल जाती है थर्ड एग लेने के लिए, और बचे हुए दो एग भी इसी के पास ही होते हैं फिलहाल। बट नोलन ने झूठ बोला था, मतलब इसने जानबूझ के गलत लोकेशन बताई थी ऑब्वियसली। तो यहाँ से ये दोनों आजाद होकर जाते हैं सही वाली लोकेशन पे। नोलन के डैड के पास एक नाजी वॉच थी जो इसके डैड को इससे ज्यादा प्यारी थी, वो इसलिए क्योंकि वो वॉच एक की थी एक सीक्रेट ट्रेजर रूम के लिए, और इसी वॉच में कोऑर्डिनेट्स थे उस थर्ड एग की लोकेशन के। तो जब ये दोनों वहां जाते हैं सीक्रेट टनल में घुसते हैं, वॉच से डोर खोलते हैं, तो वहां इनको मिल जाता है फाइनली थर्ड एग। लेकिन ज्यादा देर के लिए खुशी नहीं रहती क्योंकि वो ससुरी बिशप यहाँ भी आ जाती है। इसके चोरी करने का तरीका बहुत सही होता है कि सामान कोई और चुराएगा, ये लास्ट टाइम पे जाके उससे चुरा लेगी, और ऐसे ही ये वर्ल्ड की नंबर वन चोर बन गई बिना ज्यादा मेहनत किए। इसको पता था नोलन इतनी आसानी से रियल लोकेशन नहीं बताएगा थर्ड एग की ऑब्वियसली, इसलिए इसने उसका पीछा किया इजी पीजी। तो जब तक ये तीनों तूतू मैम कर रहे थे, इतनी देर में यहाँ आ जाती है सीआईडी मतलब एफबीआई, वही उर्वशी नॉट रोतेला, और मस्त टॉम एंड जेरी चलता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये होती है कि जॉन ये भी एफबीआई के अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है, मतलब अब ये इन तीनों की टीम में आ जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इसने पहले बोला था कि इसका टारगेट है बिशप, तो अब क्या हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये भी एक चोर ही होता है, कोई एफबीआई एजेंट नहीं होता, इसलिए इसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं था। यहाँ से जब तीनों सही सलामत फुल एक्शन में बाहर निकलते हैं और एफबीआई से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, और लकीली नोलन के पास ही होता है थर्ड एग, लेकिन ये बेचारा जॉन को अपना बेस्टेस्टेस्ट फ्रेंड मानने लगा था, इस वजह से ये एग को छोड़कर जॉन को डूबने से बचाने के लिए चला गया था। लेकिन यहाँ एंडिंग ट्विस्ट आता है जिसमें पता चलता है कि जॉन और बिशप ये दोनों पार्टनर होते हैं, एक्चुअली में पार्टनर कपल होते हैं। स्टार्ट से लेकर एंड तक ये इनका पूरा प्लान होता है जो भी इन्होंने किया, जॉन को जेल में डालना ताकि ये नोलन का भरोसा जीत पाए और वो इसे थर्ड एग की लोकेशन बता पाए, सब कुछ प्लान का ही हिस्सा था। और ये देख के बेचारे नादान नोलन इसके लिए जग सुना सुना हो जाता है। इसके हिसाब से जिंदगी में पहली बार इसका कोई दोस्त बना था, इससे पहले हमेशा अकेले ही चोरी करता था, लेकिन अब तो ये भी झूठ निकला। तो अब जॉन और बिशप ये नोलन को यहीं पर बांध के छोड़ जाते हैं एफबीआई के लिए, और अपना निकल जाते हैं इजिप्ट की शादी अटेंड करने के लिए, और तीनों एक्स देने के बाद इनको मिल जाते हैं पूरे $300 मिलियन। और यहाँ शादी में एडशरीन भी होता है, अपना मस्त गाना गा रहा होता है परफेक्ट वाला, लेकिन इसी बीच में एफबीआई यहाँ रेड मार देती है और शादी रुकवा के सबको जेल में डाल देती है, इवन एडशरीन को भी। यार इस बेचारे की यहाँ क्या गलती थी यार। और अब 6 महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ जॉन और बिशप ये मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी यार्ड पे, बट यहाँ पर कमबैक मारता है अपना नोलन। इसको जब एफबीआई वाले पकड़ के ले गए थे तो ऑब्वियसली वो वहाँ से फरार हो गया था, बहुत माहिर था उस काम में वो, बट इसने एफबीआई वालों को वो सिक्योर बैंक अकाउंट दे दिया था जिसमें जॉन और बिशप इन्होंने $300 मिलियन रिसीव किए थे उस रईस जादे से। तो ऑब्वियसली अब एफबीआई वाले उस अकाउंट को सीज कर देते हैं, मतलब जॉन और बिशप इनका सारा पैसा गया नल, 0-0। तो लास्ट में हीरो निकला अपना नोलन। हालांकि अगर देखें तो इस पॉइंट में तीनों के हाथ में कुछ आया नहीं, तीनों एकदम कंगाल हैं इस टाइम बिना पैसों के। लेकिन नोलन इन दोनों को एक ऑफर देता है और पैसे कमाने का, जिसका हमें पैसा डबल होगा और साथ में चैलेंजेस भी, बट वो काम तीन चोर ही कर सकते हैं। तो बिशप ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, ये तीनों निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट मिशन के लिए एज अ टीम। और इस साइड एफबीआई वाले ये रेड नोटिस लगा देते हैं इन तीनों के नेम पे। रेड नोटिस बोले तो वर्ल्ड वाइड अनाउंसमेंट होती है इन तीनों चोरों को ढूंढ के कैप्चर करने के लिए, क्योंकि मोस्ट वांटेड थीव्स होते हैं ये। और मूवी इसी पॉइंट में खत्म हो जाती है। बोला था बहुत ऑसम मूवी नहीं थी बट इंजॉयबल थी, और इसका अब नेक्स्ट पार्ट आएगा कि नहीं इसकी फिलहाल कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है मूवी के परफॉर्मेंस पे, और अभी के हिसाब से तो एवरेज परफॉर्मेंस जा रही है, तो मुश्किल भी है और आ भी सकता है, लेट्स सी। क्योंकि नेटफ्लिक्स वाले अच्छे शोज को कैंसिल करने में और बेकार चीजों को कंटिन्यू करने में बहुत माहिर हैं, इनको पता नहीं क्या मजा आता है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, ज्यादा कुछ था नहीं मूवी में, बस यही था। और कमेंट्स में बताना कि बिशप कैसी लगी, अरे मतलब वीडियो कैसी लगी और मूवी कैसी लगी, बिशप तो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।